एक ही नंबर का चार पांच गाड़ियां चल रहे, नहीं तो गुलबर्ग ऑटो यूनिट से पूरा बंद कर देते हम। कहीं को हमारी इज्जत नहीं है क्या ऑटो वालों को? और ये क्या बोले तो हमारे ऑटो वाले को एक 400 घर दिए, उसको क्या जाने का मेन लिंक रोड नहीं है और थोड़े जने को नहीं मिले, वो क्या है पूरा इमीडिएटली कर को देना। सिटी में कहाँ भी ये ऑटो स्टैंड नहीं है, सिर्फ एक चार पांच ऑटो स्टैंड है। आज हम डीसी साहब के थ्रू एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को एक लेटर दे रहे, क्या बोले तो यहाँ गुलबर्गा सिटी में ऑटो वाले को जो मेन पांच प्रॉब्लम है उसके बारे में। पहला प्रॉब्लम है सिटी में एक ही नंबर का चार पांच गाड़ियाँ चल रहे, छः चल रहे, सात चल रहे, ऐसे बहुत कुछ चल रहे। इसके बारे में हम छः बार लेटर दिए, आज तक हमारे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिप्लाई नहीं दे रहे। और क्या बोले तो ये इसके जो भी चल रहे इसके क्या आरटीओ का हाथ है, इसलिए ये इमीडिएटली बंद करना। दूसरा क्या बोलो तो सिटी में कहाँ भी ये ऑटो स्टैंड है, सिर्फ एक चार पांच ऑटो स्टैंड है, वो है बस स्टैंड तिमापुरी स्टेशन मार्केट छोड़ को कहीं भी ऑटो स्टैंड है। अभी बड़े बड़े मॉल है, नर्सिंग होम है और ज़्यादा पब्लिक कहाँ है वहाँ पर हमारे को ऑटो स्टैंड बना के देना। और बोले तो जो ऑटोमीटर का जो मेन प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है 150 रुपये वो ले को हमारे को नहीं बना को दे रहे। हम गए तो क्या है ये एजेंट के थ्रू बोल रहे, इसलिए हमारा डिमांड क्या बोले तो 150 रुपये हम गवर्नमेंट का फीस कभी भी भरते कहाँ भी भरते, इसलिए हमारे को क्या है ये रिपोर्ट देना। उन्हें क्या करे नहीं दे रहे, जो एजेंट है दो तीन उनके थ्रू से आओ बोल रहे। और जो हमारे को थोड़ा भी लेट हो बोले तो कंपाउंडिंग फाइन डाल रहे, ये इमीडिएटली बंद करना। क्यों बोले तो कंपाउंडिंग बोले तो क्या है बोले तो हम जाको हमारा गलती, हम कोर्ट को नहीं जाते, यहीं फाइन भरते बोल को, इसलिए हम जो हम गलती नहीं करे, जो हम हर साल गए तो भी थोड़ा लेट होते हैं, इसलिए वो कंपाउंडिंग फीस इमीडिएटली स्टॉप करना। वो 500 रुपये हम नहीं भरते। क्यों बोले तो अगर आप रोड के ऊपर आपको हमारे को जो पकड़ को फाइन डाले, हम जब हम क्या है मानते हमारा गलती नहीं है, चुप्पे वो जो कंपाउंडिंग फीस डाल रहे हो बंद करना। और ये क्या बोले तो हमारे ऑटो वाले को एक 400 घर दिए, उसको क्या जाने का मेन लिंक रोड नहीं है और थोड़े जने को नहीं मिले, वो क्या है पूरा इमीडिएटली कर को देना। और जो मेन रोड है लिंक रोड वो बना को देना, वो नाली गिली जो भी पानी के इंतजाम है पूरा इमीडिएटली कर को देना बोल को हमारा एक ये लेटर है। लक्ष्मीकांत आर मालिक पटेल, प्रेसिडेंट कल्याण कर्नाटक ऑटो चालक संघ। सही बात है, आप देखो अभी ये 5-6 बार हो रहा है, अभी हम स्ट्राइक कर रहे हैं, कितना सत्याग्रह कर रहे हैं, फिर भी को उसका रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो कई को हमारी इज्जत नहीं है क्या ऑटो वालों को? इतने साल से हम ऑटो चला, मैं 27 साल का ड्राइवर हूँ मैं आज कर में, तो हम एप्लीकेशन डाले तो वो प्लाट वो घर नहीं मिल रहा है हमारे को। वो एक और एक देखिए, हर लोगों को ऑटो का ज़रूरत है। हम कमाते ईमानदारी से कमाते, भाई यहाँ के जाकर 10 रुपये दे रहे तो हाथ चो भीख मांगे सर का हो रहा है हमारे को। कई को हो रहा है कि बस इसका मतलब कि एक परमिट के चार चार गाड़ी चल रहा है ना, उसके बारे उसके वास्ते ऐसा चल रहा है। उसके वास्ते आपके विनंती है, जो अभी इतने साल हम इतने बार 5-6 बार तो हमें मनी भी दे रहे हैं, तो इसका आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो अभी आगे के दिन में हम स्ट्राइक तो कर सकते, तो इनका भी रेस्पॉन्स दिया तो अच्छा हुआ। तो आगे हम मिनिस्टर तक और MLA के CM तक भी हम जाते हैं, उतना हमारे पास हाई ताकत आवाज है ना। देखिए अब ये लास्ट हमारे बोलने का, इतने बार बोल चुके हैं, दे चुके हैं, आप तो काम नहीं करें, अब ये फाइनल है, आप करें तो करे हुआ, नहीं तो गुलबर्गा ऑटो यूनिट से पूरा बंद कर देते हम। देखिए आपका जोरू महाराज के अस्पताल जाने के लिए तो हमारा ऑटो चाहिए तुम्हारे को, तुम्हारे करोड़पति का रहेंगे कोई भी रहेंगे, एक 20 लाख का गाड़ी रहे तो भी एक बार फेल्यूर होता है, ऑटो वाला 10 रुपये के लिए तुम्हारे पास आए तो वहाँ से जाके छोड़ते, तो को हमको छोड़ इज्जत देना जरूर है ना हमारे को। देखो आप हम बार बार बोलने का अच्छा नहीं लगता। अभी मेरा नाम भीमा शंकर, राजगुंडे, गुलबर्गा।